ओके तो है ब्रो, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो ब्रो, बहुत दिन के बाद मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक न्यू बैनर एडिटिंग लेके। सो राखी फेस्टिवल की वजह से मैं वीडियो लाने ही नहीं सक रहा था, बट अभी मैं फ्री हूँ क्योंकि फेस्टिवल भी खत्म हो गया है। तो इस वीडियो पर मैं आपको इस तरीके का बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से गेमिंग बैनर एडिट करके दिखाऊंगा। और इससे पहले मैंने आपको इसी के रिलेटेड एक गेमिंग लोगो एडिट करके दिखाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लेना, ठीक है? और आप सभी को तो पता ही होगा 5 सितंबर को कुछ बड़ा होने वाला है फ्री फायर में, तो उसी के रिलेटेड यानी कि फ्री फायर के रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब पर भी गेमिंग के रिलेटेड चैनल ओपन होगा। तो अगर आपको उसी के रिलेटेड कोई भी लोगो या फिर बैनर गेमिंग चैनल के लिए एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर बता देना, मैं वीडियो लाने का कोशिश करूंगा, ठीक है? तो चलो फिर आज के कमाल के वीडियो को आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो सबसे पहले आपको पिक्सेल लैब में अपने चैनल के नेम को क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पर आपको पिक्सेल लैब ओपन करना है और यहाँ पर आपको डबल टैप कर देना है न्यू टेक्स्ट पर, और इसको कट करके अपने चैनल के नेम को लिख देना है। और इसके बाद ए आइकन पे क्लिक करके फॉन्ट आइकन पे क्लिक कर देना और इसका जो टेक्स्ट का फॉन्ट है इसको चेंज कर लेना। एंड यहाँ पर जो मैं फॉन्ट को यूज़ कर रहा हूँ इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है? इसके बाद आपको टेक्सचर आइकन पे क्लिक करके टेक्सचर एक बैकग्राउंड को एडिट कर देना, ठीक है? एंड इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। ओके तो टेक्सचर ऐड करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ से बॉर्डर को भी क्रिएट कर लेना, और बॉर्डर क्रिएट करने के बाद शेडो को भी क्रिएट कर लेना और इनर शेडो को भी इस तरीके से क्रिएट कर लेना, ठीक है? तो फाइनली यहाँ पर मैंने अपने चैनल के नेम को क्रिएट कर लिया हूँ। तो इसके बाद इसको PNG में कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर देना, ठीक है? एंड इसके बाद ऊपर आपको सेव आइकन पर क्लिक करके यहाँ से इसके क्वालिटी को अल्ट्रा कर देना और ऊपर से सेव टू गैलरी कर देना, ठीक है? ओके तो चलो फिर पिक्सेट एप्लीकेशन की ओर। सो ब्रो, अभी तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री होता है, तो कर देना ब्रो, ठीक है? एंड साथ में इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना। ओके तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बैकग्राउंड को ऐड कर देना है जो कि एक यूट्यूब चैनल का बैनर का साइज़ का एक बैकग्राउंड होगा, एंड इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। एंड सभी का बैकग्राउंड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है, और ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद एक बैकग्राउंड को ऐड कर देना है। देन इसके बाद कटआउट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, एंड इस तरीके से यहाँ पर आपको सेप आइकन पे क्लिक कर देना और इसको कट कर देना यहाँ पर, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर मैं कट कर रहा हूँ। और कटआउट वाले बैकग्राउंड को इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है? ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसका ब्लैक एरिया पर, ठीक है? एंड इसके बाद इसका जो ब्लेंड मोड है इसको आपको ऐड पर रख देना, एंड इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर देना ऐसे। और यहाँ से डन। इसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो पर क्लिक कर देना और एक बैकग्राउंड को ऐड कर देना है, एंड ये वाला बैकग्राउंड को इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर देना। और इसका जो ब्लेंड मोड है इसको आपको स्क्रीन पर रख देना, और यहाँ से भी डन, ठीक है? इसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है, और ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद इस पर आपको अपने फोटो को ऐड कर देना। और यहाँ पर जो मैं कार्टून इफेक्ट फोटो को ऐड कर रहा हूँ इसको मैंने पहले वाले वीडियो पर बता दिया था कि आप इस तरह का कैसे क्रिएट कर पाओगे आप अपने फोटो को भी, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना, ठीक है? इसके बाद इसको आपको कटआउट करना है, कटआउट ऑप्शन पर क्लिक करके, ठीक है? तो यहाँ से मैं कटआउट कर लेता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर मैंने फ़ोटो को कटआउट कर लिया हूँ, एंड इसको यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ अपने बैनर के बीच में। और इसके बाद शेडो आइकन पे क्लिक करके यहाँ से शेडो को भी क्रिएट कर लेना। तो शेडो के कलर को यहाँ पर मैं ब्लैक रख देता हूँ, और इसके बाद बॉर्डर आइकन पे क्लिक करके यहाँ से बॉर्डर को भी क्रिएट कर लेना। तो बॉर्डर के कलर को यहाँ पर मैं येलो रख देता हूँ, ठीक है? एंड इसको ओपेसिटी को लगभग मैं कर लेता हूँ 3 के आसपास, ठीक है? और इसके बाद ऊपर आपको प्लस ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड फोटो पर क्लिक करना है आपको, और ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद एक PNG को आपको ऐड करना है, ठीक है?
एंड इसका जो ब्लेंड मोड है इसको आपको चेंज कर देना। तो ब्लेंड मोड को आपको इसको ऐड पर रख देना, ठीक है। एंड इसके बाद इसको यहाँ पर ऐड कर देना है नीचे में, और इसका फिर से एक डुप्लीकेट यहाँ से क्रिएट कर लेना, और इसको एक बैनर के ऊपर में भी एक ऐड कर देना यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ से आपको प्लस ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड फोटो पर क्लिक कर देना, और इस बार आपको अपने चैनल के नेम को ऐड कर देना जो कि आपने पिक्सल लैब में जो क्रिएट किया था। देन इसको यहाँ पर ऐड करके यहाँ से मैं इसको मूव डाउन कर लेता हूँ, तो ये हमारा फ़ोटो के पीछे ऐड हो जाएगा। देन इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लंबा कर देता हूँ, और इसके बाद ऊपर से मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गेमिंग बैनर लगभग रेडी हो चुका है। इसके बाद आपको अपने सोशल मीडिया के नेम को भी क्रिएट कर लेना, तो यहाँ पर मैं फटाफट सोशल मीडिया के नेम को क्रिएट कर लेता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर मैंने सोशल मीडिया के नेम को भी क्रिएट कर लिया हूँ। तो इसके बाद आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है, ठीक है। और ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद एक PNG को ऐड कर देना है, जो कि मैं हर बैनर पर मैं इसको यूज़ करता हूँ। और जिसने भी मेरे पहले वाले बैनर एडिटिंग वीडियो को देखा है तो उन लोगों को पता होगा एक PNG को मैं लास्ट में ऐड करता ही हूँ, जो कि ये वाला PNG होगा। एंड इसको फुल स्क्रीन कर देना, ठीक है। तो ब्रो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा बैनर कितना ऑसम दिखने लगा है। तो आई होप आपको ये वाला एडिटिंग पसंद आ गया होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक करना मत भूलना, ताकि इसी तरह के और भी एडिटिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एंड इसको फुल HD में सेव करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और बैनर को फुल HD में सेव कर लेना, ठीक है। ओके, तो ब्रो आज के लिए इतना ही। अगले किसी और एडिटिंग वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।